Good morning, students. Welcome to Panandan Home Learning. Today we are learning math subject for standard 5th, chapter 8, Mapping Your Way, part 3. बच्चों, आज हम आगे का पार्ट देखेंगे. ये पार्ट में हम इंडिया के मैप का स्टडी करेंगे. आई होप आपको है ना लास्ट ईयर की हमारी मैप की एक्टिविटी तो याद ही होगी. तो बच्चों, मैप रीड करना कैसा है, उसमें सिंबल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कलर यूज होते हैं फिजिकल मोमेंट दिखाने के लिए, राइट? तो वो आज हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में. और उसकी एक्सरसाइज कैसे मैप पढ़ना है, कैसे उसके क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं, ये हम ये आज के पार्ट में पढ़ेंगे, राइट? सो आई होप उसके पहले कि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से आपके टेक्स्ट बुक में एंड नोटबुक में कंप्लीट हो गई होगी. सो लेट्स मूव. कल के पार्ट में बच्चों हमने देखा था ग्रिड लाइन का, राइट? अभी आगे के पार्ट में देखते हैं. यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? यस, डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. हमको पता है बच्चों कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट के अलग अलग फोक डांस होते हैं, है ना? वी नो वेरी वेल, है ना? तो आज देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है. द चिल्ड्रन सो मेनी फ्लोट्स, है ना, झांकीज एंड डांसर इन द परेड. अभी बच्चों ने अलग अलग स्टेट के बहुत सारे फोक डांसेस भी देखे हैं. झांकी, है ना, डांसर फ्रॉम कर्नाटका वर द बेस्ट. ये लोगों फिर वो डिस्कशन कर रहे हैं. ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम्स दिल्ली. इन लोगों को बहुत ही ट्रैवलिंग करके आना पड़ा होगा दिल्ली, है ना? तो बोलते हैं यस, ये लोगों को बहुत ट्रैवलिंग करके आना पड़ा होगा. अभी ये बच्चा क्या बोल रहा है? आई लाइक त्रिपुरा. त्रिपुरा डांस उसको बहुत पसंद है. फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव ट्रेवल फार. त्रिपुरा एंड सिक्किम तो दिल्ली से तो पास में ही है, बट हरियाणा उत्तराखंड आर क्लोजर टू द दिल्ली. उससे भी पास में हरियाणा है, उत्तराखंड, है ना? दीज स्टेट्स आर क्लोजर टू द दिल्ली. तो चलो बच्चों, ये उनका डिस्कशन था. अभी हमारे इंडिया के मैप पे जाते हैं. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट दीज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, है ना? तो बच्चों, कौन कौन से आपको अभी उन्होंने कौन कौन से स्टेट का नाम लिया है? यस, कर्नाटका. तो बच्चों ये यहाँ पे देखो, है ना, कर्नाटका तो कहाँ पे है? साउथ साइड में. एंड दिल्ली यहाँ पे है, दिख रहा है? और फिर कौन सा बोला? त्रिपुरा, है ना? त्रिपुरा हमारा कहाँ पे है? फाइंड दी त्रिपुरा. यस, त्रिपुरा यहाँ पे है, राइट? तो वो दिल्ली से थोड़ा नज़दीक है एज कम्पेयर टू कर्नाटका, तो बराबर. और सिक्किम, त्रिपुरा और हरियाणा कहाँ पे? हरियाणा एंड उत्तराखंड आर द क्लोजर टू द दिल्ली. तो यस यस, सबसे नियरेस्ट उत्तराखंड है एंड हरियाणा है, है ना? हरियाणा सबसे नियरेस्ट है एंड उत्तराखंड है. तो बच्चों, ये हमको कैसे पता चलता है? जब मैप के थ्रू पता चलता है, है ना? मैप में बच्चों यहाँ पे देखो डायरेक्शन दी है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, फिर साउथ, है ना? फिर अभी यहाँ पे देखो कौन कौन से हमने ये स्टेट के नाम भी पढ़े हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड,
मणिपुरम, मिजोरम है ना, त्रिपुरा, तो दीज आर दी स्टेट्स ऑफ यस इंडिया. ओके यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नॉट टू स्केल, यानी स्केल बताया हुआ नहीं है, बट ये ग्रिड लाइन पे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. ये ग्रिड लाइन हमारी क्या है, 1 सेंटीमीटर की है ना. सो बच्चों, अभी अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर, है ना. 1 सेंटीमीटर दैट मीन्स 200 किलोमीटर हम इतना कंसिडर करेंगे, वो आगे के पार्ट में देखेंगे. और हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यस अरेबियन सी दिख रहा है, यस अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है. तो ये ब्लू कलर में से क्यों दिखाया गया है पता है, क्योंकि पानी हम मैप में ब्लू कलर का दिखाया देता है, दिखाया जाता है ना. ओके नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट यहाँ पे क्या लाइन दी हुई है, द कर्नाटका टीम स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर. जो डांस के लिए आए थे कर्नाटका टीम, वो उन्होंने खुद की ट्रैवलिंग कार से स्टार्ट की थी बैंगलोर से, एंड मूव इन द नॉर्थ डिरेक्शन. बच्चों अभी कर्नाटका हमारा कहाँ पे है, साउथ डिरेक्शन में. अगर वो नॉर्थ डिरेक्शन में यानी अपवर्ड साइड गया है ना, टूवर्ड्स नॉर्थ यानि नॉर्थ के पास, टूवर्ड्स नॉर्थ यानि नॉर्थ के पास जा रहा है. विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच द दिल्ली. तो बच्चों चलो हम कर्नाटका से दिल्ली तक पहुंचते हैं, है ना. मेरा कर्नाटका कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड बैंगलोर यहाँ पे है. मुझे जाना कहाँ पे है, दिल्ली में, है ना. तो मैं अगर मेरा बैंगलोर से ट्रैवलिंग स्टार्ट करूँगी तो मुझे कौन कौन से स्टेट आएंगे, यस कर्नाटका से तेलंगाना आएगा, यस महाराष्ट्र आएगा, हाँ मध्य प्रदेश आएगा, हाँ मध्य प्रदेश से राजस्थान, से राजस्थान की थोड़ी बॉर्डर आएगी और दिल्ली आएगी, है ना. तो उन लोगों को कौन कौन से स्टेट करने पड़ेंगे, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और फिर वो दिल्ली पहुंचेंगे, है ना. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इज टुवर्ड्स नॉर्थ टू दिल्ली. बराबर है, जम्मू एंड कश्मीर तो नॉर्थ साइड है टू द दिल्ली. सो द टीम फ्रॉम देयर, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अगर दिल्ली में आना है तो उनको कौन सी डिरेक्शन में आना पड़ेगा, तो टुवर्ड्स साउथ यानी साउथ के पास, टुवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, है ना. विच स्टेट डज इट क्रॉस. तो चलो बच्चों देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से टुवर्ड्स दिल्ली आने के लिए कौन कौन से स्टेट से पास होना पड़ेगा. तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ है ना, दिल्ली, दिल्ली से आगे वाले सब नॉर्थ डिरेक्शन में होंगे, राइट. तो अभी जम्मू एंड कश्मीर ये दिल्ली से नॉर्थ डिरेक्शन में है, राइट. और उसको जम्मू एंड कश्मीर से अगर उन लोगों को दिल्ली आना है तो कौन से स्टेट से पास होना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट से वो दिल्ली आ जाएंगे. तो जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली के बीच में क्या, कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश. तो एक ही स्टेट को पार्ट करना पड़ेगा. नोनू लाइव्स इन गुजरात, नोनूज फ्रेंड जावेद लाइव्स इन वेस्ट बंगाल. नाउ नोनू वॉन्ट्स टू विजिट टू हिज फ्रेंड, इन विच डिरेक्शन विल ही ट्रेवल. चलो नोनू को हेल्प करते हैं कि उसको कौन से डिरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना. सो इसके लिए हमको पहले वेस्ट बंगाल ढूंढना पड़ेगा. ये रहा मेरा गुजरात, ये रहा मेरा वेस्ट बंगाल, है ना. ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है. अगर गुजरात से मुझे वेस्ट बंगाल आना है तो मुझे टूवर्ड्स यानी ईस्ट के और ट्रैवलिंग करनी पड़ेंगी, है ना. तो टूवर्ड्स ईस्ट मुझे जाना पड़ेगा, तो टूवर्ड्स ईस्ट का ऑप्शन है यस.
कौन सा है? टुवर्ड्स ईस्ट यानी बी, बी इज द करेक्ट वन. इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अभी जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ साइड कुछ है? नो, यहाँ इसके नॉर्थ साइड तो अदर कंट्री आ जाती है ना? यहाँ पे ये हमारा इंडिया का नॉर्थ साइड का बॉर्डर स्टेट है, राइट? तो नॉर्थ के आगे दूसरी कंट्री चालू हो जाती है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? वेस्ट ऑफ गुजरात कुछ है? दिख रहा है कुछ? नो, वेस्ट ऑफ गुजरात तो अरेबियन सी दिख रहा है और एक कंट्री है ना? तो गुजरात भी ये वेस्ट साइड की बाउंड्री का स्टेट हुआ, है ना? उसके आगे दूसरी कंट्री ही चालू हो जाती है ना? देयर इज नो स्टेट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 200 किलोमीटर, दैट मीन्स बच्चों 1 सेंटीमीटर इसका एक्चुअल 200 किलोमीटर होता है. ऑन मैप 1 सेंटीमीटर होगा तो अरे ऑन एक्चुअल उसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर होगा, है ना? यूज दी स्केल, ये स्केल यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना है? अबाउट हाउ फार द दिल्ली एंड जयपुर. तो बच्चों चलो हम दिल्ली एंड जयपुर का डिस्टेंस देखते हैं. यस, जयपुर यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे है, तो 1 सेंटीमीटर तो है ही, है ना? 1 सेंटीमीटर और उसके नियर अबाउट 1.2 वगैरह होगा. तो अगर सपोज हमने 1.2 सेंटीमीटर लिखा तो 1 पॉइंट यानि मेरा कितना होगा? 200 किलोमीटर तो हुआ, 200 किलोमीटर हुआ 1 सेंटीमीटर यानि. और 0.2 को मैंने क्या किया? 0.1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 20 किलोमीटर हुआ बच्चों. यस, तो 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर इज 240 किलोमीटर होता है. तो जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 240 किलोमीटर्स, तो नियर अबाउट यहाँ पे कौन से ऑप्शन है देखते हैं. 50 किलोमीटर्स तो नहीं आएगा, 500 किलोमीटर्स भी नहीं आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज 250 किलोमीटर, है ना? ये जस्ट एस्टिमेशन है. एस्टिमेट हाउ फार द जयपुर फ्रॉम द भोपाल. तो भोपाल कहाँ पे है एंड जयपुर कहाँ पे है? चलो एस्टिमेट करते हैं. यस, भोपाल जयपुर यहाँ पे है ना? यानी मुझे 1 ब्लॉक करके तो पार करना ही पड़ेगा और ये दूसरा ब्लॉक है तो 2 सेंटीमीटर हो गए, 2 सेंटीमीटर एंड थोड़ा अबोव वेरी 2.4 और वगैरह, तो 2 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स मेरा कितना होगा? सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, तो ऑन ग्राउंड वो कितना होगा? 200 किलोमीटर. गॉट इट? यस. नाउ लुक एट द मैप एंड टेल विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 स्टेट. कौन सा ऐसा स्टेट है जो उसके आजू बाजू में 4 स्टेट यानी सराउंडेड उसे घेरा हुआ है? तो चलो फाइंड आउट करते हैं. यस, ये देखो बच्चों, ये हरियाणा है. यस, उसको पंजाब की बॉर्डर भी आती है, राजस्थान की बॉर्डर भी आती है, उत्तर प्रदेश की भी आती है एंड हिमाचल प्रदेश की भी आती है ना?
तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सब की बाउंड्री के बीच में हरियाणा आता है। तो ये फोर स्टेट हुए, तो राइट आंसर इज हरियाणा। तो क्या होता है? यस, दिस इज हरियाणा, है ना? विच स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया? इफ इट इज नॉट इन द मैप, फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स और पेरेंट्स, है ना? सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन सा दिख रहा है मैप में? चलो फाइंड आउट करो। यस, सबसे बड़ा स्टेट मुझे पूरे मैप में राजस्थान दिख रहा है ना? तो सबसे लार्जेस्ट एरिया उसका है ना? आप बच्चों ये ब्लॉक्स कैलकुलेट करके भी एस्टिमेट निकाल सकते हो, है ना? अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आपको ये ब्लॉक काउंट करके भी आप मेजर कर सकते हो। तो राजस्थान इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट एरिया, है ना? दे है, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट एरिया। विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर देन सिक्किम? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम्स बिगर देन एरिया देन सिक्किम? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो कोई सवाल ही नहीं आता। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों सिक्किम के पास कौन कौन से स्टेट है? सिक्किम, सिक्किम कितना है? छोटू सा है ना? तो 8 टाइम तो महाराष्ट्र तो हो ही नहीं सकता। त्रिपुरा तो उससे 2 टाइम्स हाफ टाइम ही होगा, त्रिपुरा भी नहीं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो बहुत ही बड़ा है तो वो भी नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश, यस, तो सिक्किम से 8 टाइम तो बड़ा हिमाचल प्रदेश आएगा। सो टिक मार्क हिमाचल प्रदेश। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका हिमाचल प्रदेश आएगा। अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब, पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान? तो बच्चों पंजाब कितना बड़ा है, पंजाब से राजस्थान कितना बड़ा है? तो इट मे बी, देखो बच्चों पंजाब में है ना, पंजाब का एरिया ये देखो 1 और 2 ब्लॉक है ना? टेंटेटिवली हम ऐसा करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? 9 to 10 टाइम्स है ये जो थोड़े थोड़े पार्ट्स है। तो हम बता सकते हैं कि पंजाब ये 10 टाइम, पंजाब से राजस्थान 10 टाइम्स बड़ा है ना? टेंटेटिवली। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। दी सी, बाला इज स्टैंडिंग ऑन दी सी कोस्ट एंड लुकिंग द वास्ट सी। बहुत बड़ा सी वो देख रही है। द सी लुक एंडलेस, है ना? वो सी की कोई बॉर्डर ही नहीं दिख रही है। हैव यू सीन द सी? आपने कभी सी को देखा है? यस, है ना? देखा ही होगा। इन द पिक्चर वेयर इज द सी? ये पिक्चर में कहाँ पे है सी? तो हम बता सकते हैं इन फ्रंट ऑफ बाला, इन फ्रंट ऑफ बाला, बाला के आगे पूरा सी ही है, इन फ्रंट ऑफ, है ना? नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो द सी, है ना? सी कौन से कलर से दिखाया हुआ है? यस, हमने देखा ना ब्लू कलर से। मैप दो स्टेट
विच हैव सी ऑन वन साइड। बच्चों ऐसे स्टेट को मार्क करना है जिसके वन साइड सी हो। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। यस सी, पहले सी वाला देखते हैं, है ना। सी हमारा कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो वन बाउंड्री तो गुजरात की आएगी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, है ना। इतने स्टेट तो आएंगे ही। कौन कौन सा है मैं रिपीट करती हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर ये छोटू सा गोवा भी है ना, दिख रहा है गोवा, केरला, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, है ना। तो दीज ऑल स्टेट हैव वन साइड ऑफ सी, एक साइड में सी है। नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑन द स्टेट व्हिच डज नॉट हैव सी ऑन एनी साइड। तो बच्चों सी ऑन एनी साइड हम तो कौन सा भी लिख सकते हो, जैसे कि मध्य प्रदेश लिख सकते हो, फिर हरियाणा लिख सकते हो कि जिसमें सी सी कौन से साइड से नहीं है, और यू कैन राइट एनीथिंग, है ना, छत्तीसगढ़ भी लिख सकते हो। ओके नाउ लुक फॉर द डिफरेंट मैप, कंपेयर द डिफरेंट स्केल यूज इन द लोकल एरिया मैप, मैप ऑफ इंडिया और वर्ल्ड मैप, है ना। आप इंडिया का भी मैप स्टडी कर सकते हो, गुजरात का भी स्टडी कर सकते हो, वर्ल्ड मैप भी। तो बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ होमवर्क में, हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे। गुजरात से भी हम पहले कौन सा, पहले पैटर्न का मैप देखो बच्चों, ऑब्जर्व करो, स्टडी करो पैटर्न से। पैटर्न ये डिस्ट्रिक्ट है ना, पैटर्न से फिर गुजरात का मैप करना है, गुजरात से फिर इंडिया का करो, इंडिया से वर्ल्ड मैप पढ़ो, है ना। पर यहाँ से स्टार्ट करना है हमारे स्टेट का, अरे हम जहाँ पे रहते हैं उसका मैप हमको पता होना चाहिए। सो दिस इज योर एक्सरसाइज कि आपको पैटर्न का मैप पढ़ना है और फिर गुजरात का, है ना। लाइंस बिटवीन द स्टेट, सबू इज कंफ्यूज अबाउट द लाइन शोन बिटवीन द स्टेट। सबू अभी वो बोल रहा है, आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सॉ एनी लाइंस ऑन द ग्राउंड, हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप। हमको मैप में कैसे दिख रहा है ये बॉर्डर्स, जो बॉर्डर्स हमको रोड पे तो दिखती नहीं है। तो बच्चों मैप में जो लाइन है दैट आर इमेजिनरी लाइन, और ये बताती है नो देर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड, द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड एंड नेक्स्ट बिगिन। वो एंडिंग एंड बिगिनिंग पॉइंट दिखाने के लिए बाउंड्री दिखाई देती है मैप पे, पर एक्चुअल में हमको कैसे पता चलता है पता है, वो बोर्ड लिखा हुआ आता है। कभी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने होते हैं ना, तब वेलकम भी होता है और बाय भी लिखा हुआ होता है, तो हमको वो पता चलता है कि है ना यहाँ से हमारा स्टेट चालू हो रहा है, ख़त्म, डेड एंड भी पता चलता है। तो अभी ये शबू ने क्या ऑब्जर्व किया है, ओ यस वी पेड टॉल टैक्स एट द बॉर्डर, है ना, एंड आई सो अ बिग बोर्ड सेइंग वेलकम टू हरियाणा। तो बच्चों जब बाउंड्री में ऐसे लिखा होता है कि यहाँ से गुजरात की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, यहाँ से महाराष्ट्र की चालू हो रही है, यहाँ से हरियाणा, वो बोर्ड पे लिखा रहता है ना, जहाँ पे एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल करो तो वो बोर्ड्स को ऑब्जर्व करना है। ओके तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक ये पार्ट ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।